मध्य प्रदेश के इंदौर में लहसुन किसान खुश हैं क्योंकि उन्हें इस साल थोक बाजार में उपज की अच्छी कीमत मिल रही है। इंदौर की कृषि उपज मंडी के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल प्रति क्विंटल लहसुन की कीमत 20,000 से 28,000 रुपए के बीच है। लहसुन की स्थिति ऐसी है कि हर साल से इस साल लहसुन की आवक कम है और फसल भी कमजोर थी, इसके कारण से आवक कम होने से भाव भी अच्छे हैं। अभी हमारे यहाँ पे 20,000 से लेकर 28,000 रुपए प्रति क्विंटल तक लहसुन बिक रहा है। किसान खुश हैं कि इस साल कम उपज के बावजूद लहसुन की फसल की बाजारों में उचित कीमत मिल रही है। लहसुन का भाव बहुत सुपर है, जैसी लहसुन ऐसा भाव मिल रहा है। जिसकी कोई हल्की है तो उसका भी भाव अच्छा है, जो अच्छी वैरायटी की है उसका भी भाव बहुत शानदार है। मतलब 30,000 के लगभग भाव चल रहा है, बढ़िया भाव है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा भाव मिल रहा है किसान को। आवक बहुत कम है और भाव बहुत बढ़िया है। ऐसा भाव नहीं मिला, बहुत पहला मिला था कभी, अभी 5-6 साल पहला। अभी 32,000 का आसपास बिकी है आज, और कम से कम में 11-12,000। बाजार में काफी अच्छी स्थिति है लहसुन को लेकर, किसान को भाव अच्छा मिल रहा है, लेकिन अभी किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में उसका स्टॉक है ही नहीं। 10 से 12 कट्टे किसी किसान के पास है तो वो बहुत बड़ा किसान है आज की तारीख में। अभी किसानों के पास इसका वो नहीं है। हम लोगों के पास 20 कट्टे लगाने के लिए थे, उसमें से 10 कट्टे बेचने के लिए आ गए, 3,000 रुपए का भाव है। इसलिए अब इसको हम कम लगाएंगे तो अगले साल और कम होनी है। अगर सरकार को इसके ऊपर निगरानी करनी है तो कहीं ना कहीं इसका सीजन पर भाव बढ़ा। व्यापारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में थोक बाजारों में लहसुन की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।